राम राम सारे ने। चलिए टिफिन की रेसिपी तैयार करते हैं। आपके बच्चों के लिए 6 रेसिपी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे लिया रागी का आटा, 2 कप रागी का आटा, उसको छान लिया। 1 कप लिया दही, इसे फेंट लेंगे। इस तरह से पतला सा घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको उसका घोल बनाना है। इसको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। 5 मिनट बाद इसमें मसाले डालेंगे, धनिया डालेंगे, यहाँ पे मिर्ची डालेंगे, 2 चम्मच भर के हम सांभर मसाला डालेंगे, और यहाँ पे डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा डाल देंगे। लीजिए आप धनिया और पुदीना डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, यहाँ पर डालेंगे शिमला मिर्च, टमाटर डाल देंगे। तो ये सब्ज़ियाँ आप डालें। इस तरह से आप बच्चे इस बहाने से सब्ज़ियाँ भी खा लेते हैं। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। अपने पैन में थोड़ा सा तेल ले लेंगे, यहाँ पर डाल देंगे सरसों के दाने, करी पत्ता डाल देंगे, और जो हमने घोल बनाया रागी का वो डाल देंगे। लीजिए हमारे बढ़िया से अपने बन के तैयार हो जाएंगे। कम तेल में इनको पलट लेंगे, एक साइड सीख जाएंगे। तो आप बच्चों को टिफिन में दीजिए, खुद खाइए। इसकी तैयारी आप रात को करके रख सकते हैं, घोल बना के रात को तैयार कर लीजिए। लीजिए हमारी एक रेसिपी बन के तैयार हो गई। चलिए अब दूसरा रेसिपी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने बेसन, बेसन में हरी प्याज डाली है, धनिया डाला है, मिर्ची डाली है हरी, और यहाँ पर डाला है मैंने प्याज। थोड़ा अजवाइन ले लेंगे, अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, और ये हींग, और थोड़ा सा ले लेंगे हम गरम मसाला और नमक। इन सबको पहले मिक्स कर देंगे। ये मैंने भर भर के सब्जियां डाली हैं ताकि बच्चे इस बहाने सब्जी खा लेंगे। अब पतला पानी डाल के पतला सा घोल बना लेंगे। थोड़ा सा तवे पे हम तेल डाल देंगे और बढ़िया से पैनकेक बेसन के बना के तैयार कर लेंगे। तो इसमें आप अपने पसंद से सब्जी डाल सकते हैं। थोड़ा सा तेल लगा के दोनों तरफ पलट पलट के हम उसको सेक लेंगे। अब इसे बच्चों के टिफिन में दीजिए, आप अपने ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। लीजिए हम दूसरी रेसिपी तैयार, अब तीसरी करते हैं तैयार। तो यहाँ पे लिया है मैंने घी, देसी घी लिया है, उसमें डाल दिया दलिया। दलिया को हमने भून लिया है, सिम आँच पे इसको भूनना है। भून के एक प्लेट में निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में वापस हमने तेल लिया है, घी लिया है, जीरा लिया है, हींग लिया है, चटकने देंगे इनको। फिर प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची सब डाल देंगे, थोड़ा सा भून जाएगा। उसके बाद हम अपने सब्जी डालेंगे। मटर लिया है मैंने, आलू लिया है, यहाँ पे लिए मैंने गाजर, इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद टमाटर डाल देंगे। इस सब डालने के बाद जो दलिया हमने, हल्दी डाल देंगे, सॉरी मसाला डाल देंगे, धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है। आप लाल मिर्च डालना चाहते तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। दो दलिया भून के रखा ना, वो डाल देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें पानी। तो 1 कप दलिया, 2 कप पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। नमक डाल देंगे, ढक के हम पका लेंगे। इसको चाहे तो कुकर में पका सकते हैं, मैंने इसमें कढ़ाई में बनाया। देख लीजिए, दबा के देखा मैंने, पक गया दलिया, प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसको आप टिफिन में दीजिए या आप खुद खा सकते हैं। तो चलिए दूसरी रेसिपी तैयार करते हैं। यहाँ पे लिया मैंने पनीर, पनीर में डाल दिया लहसुन, अदरक लिया है, हरी मिर्ची ली है, धनिया और पुदीना लिया है। इन सबको एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। बढ़िया से इसको हमको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैं दही लिया है, दही से डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे एक बर्तन में वापस निकाल लेंगे। अब डालेंगे सब्जियाँ, पत्ता गोभी लिया है मैंने, यहाँ पे लिया मैंने शिमला मिर्च लिया और बीन्स, दोनों को एक साथ डाला है, और यहाँ पर लिया है मैंने प्याज। इन सबको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे लिया है मैंने काली मिर्ची, ये डाल देंगे। अब डाल देंगे थोड़ी सी गाजर और चिली फ्लेक्स डाल देंगे, नमक डाल देंगे, इन सबको मिक्स कर देंगे। तो मैंने सब ये जितना भी बनाई है सब में सब्जियाँ भर भर के डाली हैं। तो इस तरह से बच्चे सब्जियाँ भी खाएंगे और हम भी खुश, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड में बटर, घी जो भी लगाना चाहते हो वो लगा लीजिए। अब हमने जो बटर बनाया वो लगा देंगे इस तरह से, और एक एक थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे। बढ़िया से थोड़ी सी चीज़ डालने के बाद हम इसमें ढक देंगे एक एक टमाटर के पीस स्लाइस, और तैयार हो गया हमारा ब्रेड सैंडविच। तो यहाँ पर बटर या घी ले लेंगे तवे पे और इसको सेक लेंगे। इसको आप टिफिन में दीजिए, आप खुद खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में। तो बिना तले हुए कम तेल में बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनके तैयार होती है। सारी रेसिपी बहुत ही बढ़िया, सब सब्जी भर भर के डाली है। यहाँ पे बनाते हैं पूड़ा। तो गुड़ ले लिया है मैंने, गुड़ में पानी डाला है और इसको घोल लिया है, छान लिया है। छानने के बाद हम इसमें डाल देंगे आटा। आटा छान लिया मैंने, आटा को इसको घोल बना लेंगे, मतलब घोल लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे, इसमें डाल देंगे हम सौंफ। देखिए ऐसा घोल होना चाहिए हमारा। तो ये तवे पे तेल ले लिया है, थोड़ा सा हम जो बैटर बनाया वो डाल देंगे और इसको तेल डाल के अलट पलट के हमको उसको सेक लेना है। बढ़िया से पैनकेक हमारे बन के तैयार हो जाते हैं, मीठे मीठे पैनकेक। तो लीजिए अलट पलट के मैंने सेक लिया है, आप टिफिन में दें या खुद खाएं ब्रेकफास्ट में। लीजिए बढ़िया बन के तैयार हो गया हमारी इजी रेसिपी। अब चलिए दूसरी रेसिपी बना के तैयार करते हैं। धनिया लिया है, अदरक लिया है, यहाँ पे लिया मैंने लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा गर्म मसाला लिया है और टमाटर लिए हैं, यहाँ पे मैंने ली है हरी मिर्ची, और यहाँ पे डाल देंगे ये मूँगफली और हरी प्याज। तो इन सबको मिक्सी में डाल के हम पीस लेंगे, चटनी बना लेंगे। अब ले लेंगे नींबू, एक आधा नींबू डाला हुआ है पूरा मैंने, और यहाँ पर डाला है मैंने काला नमक।
तो ये डाल देंगे एक बार मिक्सी को और चला लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगी। लीजिए हमारी चटनी बनके तैयार है। अब यहाँ पे लिया मैंने मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज है, तो ये बटर लगा लेंगे और जो चटनी बनाई वो लगा लेंगे, मेयोनीज लगा लेंगे। पहले हम इसमें आलू रख देंगे, बॉयल आलू या चाट मसाला डाल देंगे, रेड चिली डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब आप इसे प्याज ले लेंगे, खीरा ले लेंगे, टमाटर ले लेंगे, सलाद डाल देंगे, जो भी आप जानना चाहते हैं वो डाल सकते हैं इसमें। फिर से वापस से वही मसाले डालने हैं, थोड़ा सा हम घी डाल देंगे, नमक मिर्ची सब डाल देंगे, घी डाल देंगे और इसको अलट पलट करके हम बटर लगा के इसको सेक लेंगे तवे पे। लीजिए हमारा सैंडविच बनके तैयार हो गया। इजी ब्रेकफास्ट मैंने सारे बताए हैं आपको, टिफिन की रेसिपी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक।